हैं नया कंसेप्ट, दैट इज पास्कल्स लॉ, है ना। तो पास्कल ये एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने हमें ये लॉ दिया है। इन्होंने ये बोला है कि प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन एन एनक्लोज लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इन ऑल द डायरेक्शन थ्रू डिमिनिशिंग द लिक्विड। इसका मतलब क्या है? चलो स्टेटमेंट हमें फिजिक्स में थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? सपोज कोई एक एनक्लोज कंटेनर है, राइट, उस एनक्लोज कंटेनर में कुछ लिक्विड भरा हुआ है, तो यह लिक्विड पे एक्सर्ट होने वाला प्रेशर, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। तो वी हैव दिस यू शेप ट्यूब, ये यू शेप ट्यूब है, इसका ये आर्म और ये आर्म दोनों सेम है, सेम यूनिफॉर्म एक यू ट्यूब है, एंड यहां पर हमने पिस्टन्स लगाए हुए। पिस्टन्स का मतलब क्या होता है? जैसे हम पिचकारी में देखते हैं ना, पिचकारी में क्या होता है कि पानी दूसरे डायरेक्शन में प्रेस करने के लिए एक पिस्टन लगाते हैं हम लोग, अंदर अंदर जो होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार का ये पिस्टन है जो इसको एडजस्ट कर सकता है, राइट। अब ये ट्यूब में पानी भरा हुआ है, तो हम क्या बोल रहे हैं? एज पर द डेफिनेशन, प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट, तो एनी पॉइंट मतलब चलो मैं ये वाला साइड ले लेता हूं, ये वाला साइड को मैं ए बोलता हूं, दिस इज बी साइड, ठीक है। सो नाउ आई एम कीपिंग 1 kg ब्लॉक ओवर हियर, 1 kg का कोई मैं ब्लॉक डब्बा यहां पर मास यहां पर रखता हूं। सपोज ऐसा कोई मास है 1 kg का, यहां पर मैंने रखा है, तो क्या होगा? ये पिस्टन नीचे जाने लगेगा और ये पिस्टन ऊपर आएगा, मतलब दिस विल मूव डाउनवर्ड्स एंड दिस विल मूव अपवर्ड्स, राइट, ऐसा ही होगा। और ये नीचे दबने लगेगा और ये ऊपर आने लगेगा, ये कब बैलेंस कब होगा? ये दोनों पिस्टन जब बैलेंस होंगे, कब? हमने ये ऑब्जर्व किया जब हम यहां पर 500 ग्राम्स रखते हैं, सपोज 500 ग्राम रखेंगे तो क्या ये बैलेंस हो जाएगा? नहीं, बैलेंस नहीं हो रहा है। फिर हमने 1 kg रखा, तो 1 kg जब हमने रखा, सो दिस पिस्टन स्टॉप्स मूविंग, ये बैलेंस करना उसने, मतलब वो अब बैलेंस हो गया, अब वो मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन एन एनक्लोज, एनक्लोज मतलब इस कंटेनर में रखा हुआ है, यू शेप ट्यूब में रखा गया है एनक्लोज लिक्विड, इज ट्रांसमिटेड इन ऑल द डायरेक्शंस थ्रू आउट डिमिनिशिंग द लिक्विड। मतलब यहां पर इसका जो प्रेशर है वो इक्वली ट्रांसफर हो रहा है, इक्वली ट्रांसफर मतलब विदाउट गेटिंग डिमिनिश, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब प्रेशर अप्लाइड हियर, यहां पर मास है, यहां पर पिस्टन का कुछ एरिया होगा, राइट, तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। तो हम ये लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, प्रेशर इन अ लिक्विड इज ऑलवेज इक्वल, प्रेशर इन अ लिक्विड इज ऑलवेज इक्वल। समझ में आ रही है बात? सो व्हेनेवर सच अ केस इन एन एनक्लोज कंटेनर, लिक्विड जहां पर भरा हुआ है, ऐसा कुछ हमें मिलता है, सो वी कैन अप्लाई पास्कल्स लॉ। सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ? तो पास्कल्स लॉ हमें ये बताता है, पास्कल के प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जब भी किसी लिक्विड में प्रेशर एक्सर्ट होता है, सपोज यहां पर ये बॉटल है, ठीक है, इसके अंदर एनक्लोज वाटर है, राइट, तो एक जगह से अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूं, तो वो प्रेशर अगर इक्वल जा रहा है दूसरी जगह, इसका मतलब क्या है कि प्रेशर इन हर एक पानी के पार्टिकल्स, यहां पर जो भी लिक्विड है, इस पार्टिकल से इक्वली फ्लो कर रहा है, राइट, एंड दिस इज पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ को आगे बढ़ के पढ़ते हैं, थोड़ा स्टेटमेंट आप ध्यान में रखिए कि प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट विल ऑलवेज बी इक्वल, ट्रांसमिटेड इन ऑल द डायरेक्शन, ठीक है। अब मिटा रहा हूं मैं इसको, और मैं एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूं।
एप्लीकेशंस क्या है, जैसे आपने देखा होगा गैरेज में क्या होता है कि बड़ी बड़ी कार्स या ट्रक्स आते हैं रिपेयर करने, सपोज ठीक है, बड़ा अगर मोटर गैरेज है तो क्या होता है वहां पे जो काम करने वाले होते हैं, मोस्टली इंडिया में आपको देखा होगा कि बच्चे होते हैं छोटे छोटे, फिर भी ट्रक्स को वो हाइड्रोलिक जैक लगा के, हाइड्रोलिक मतलब जिसके अंदर पानी हो, है ना, क्या उठा लेते हैं, तो वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। मतलब गाड़ी के लिए जो हम लोग जैक यूज करते हैं, हाइड्रोलिक जैक, या फिर हाइड्रोलिक जैक या फिर पिस्टन वाला यूज करते हैं ना हम, हाइड्रोलिक जैक हो गया, या फिर ब्रेकिंग सिस्टम होता है कार का, ब्रेकिंग सिस्टम बोल देता हूं मैं इसको, ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ अ कार, ये पास्कल्स के प्रिंसिपल पे ही चलते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर प्रेशर इक्वल है तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्या है अगर मैं इसको देख लो आप, थोड़ा मुझे डायग्राम बनाना है इसलिए मैं इसको बिठा रहा हूं। चलो हाइड्रोलिक जैक, या हम इसको लिफ्ट भी बोलते हैं, हाइड्रोलिक जैक या लिफ्ट, ये कैसा होता है, सपोज आपने यू शेप ट्यूब लिया, जब आपने ऐसा लिया था, ये सिलेंड्रिकल है, मतलब इस तरह का है, एक साइड से छोटा है और तो दूसरे साइड से बड़ा होगा, तो अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, विल ट्रांसफर द लिक्विड, लेकिन दूसरा जो साइड होगा इसका वी हैव अ बिगर एरिया, दिख रहा है ना आपको, तो वी हैव सेम हाइट पे ले लेते हैं इसको, यहां पर पिस्टन लगा लेते हैं, ये एक सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट है जिसमें हम बोल रहे हैं कि यहां पर ये एक एरिया है और ये एक एरिया है, ठीक है। तो अगर ये सिलेंड्रिकल मास है वहां पर हम लिक्विड भरेंगे और यहां पे एक बड़ा वाला सिलेंडर और उनको जोड़ दिया हमने पाइप से, ठीक है। इफ दिस इज एन अरेंजमेंट फॉर फ्लो ऑफ लिक्विड, तो क्या हो जाएगा, यहां पर पिस्टन लगा देंगे हम, पहले पानी भर देंगे, इसके अंदर लिक्विड भर देंगे। आपने देखा होगा कि ऑयल भरते हैं हम लोग हाइड्रोलिक पंप्स में, या हाइड्रोलिक गाड़ी का जो स्टेयरिंग व्हील होता है जो अटैच हो जाता है पीछे, जो रेयर क्या होता है ना वो ट्रक्स के वगैरह जो ड्राइविंग व्हील होते हैं उसमें, तो वी हैव लिक्विड या ऑयल फिल्ड डायरेक्ट, ठीक, लिक्विड फिल्ड इन इट। सो व्हाट विल हैपन हियर, इफ लिक्विड इज फिल्ड इन इट, सो विल वी हैव पिस्टन, पिस्टन मतलब जो पिचकारी टाइप जो लॉक लगता है ना, देखा ही होगा आपने पिस्टन, और इसको भी यहां इसी सेम लेवल पे लगा देते हैं, यहां पे बड़ा पिस्टन लगेगा, राइट। तो हमें ये पता है कि यहां पर एरिया A1 और यहां पर एरिया A2, ये वाला जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है छोटा है, ये वाला जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है बड़ा है, तो क्या होगा, यू कैन ऑलवेज से दिस कि एरिया ऑफ सेकंड इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ फर्स्ट, सही बात है, ठीक है। तो हम जब भी किसी प्लेटफॉर्म को पिस्टन को यूज करते हैं, हम क्या करेंगे, हमें हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक जैक की जरूरत कहां पड़ती है, हमको गैरेजेस में जो जरूरत पड़ती है कि गाड़ी के नीचे घुस के हमें अभी उसको रिपेयर करना है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन लिफ्ट द व्हीकल या ट्रक या कार को हम लोग लिफ्ट करेंगे, तो लिफ्ट कैसे करेंगे, ये जमीन लेवल पे है सपोज, तो यहां पर आपने कार रिपेयर के लिए डाल दी, चलो कार रिपेयर के लिए डाल दी, एंड दिस इज द एरिया, तो यहां पे प्रेशर P1 लगा, तो यहां पर प्रेशर P2 लगेगा, प्रेशर P1 और P2
एज पर पास्कल्स लॉ तो सेम होना चाहिए, क्योंकि लिक्विड के अंदर जितना मैं प्रेशर यहां लगाऊंगा उतना ही उधर मिलेगा। तो एक छोटा सा बच्चा जो गैरेज में काम करता है ना, इंडिया में देखने को मिलता है सर्व शिक्षा अभियान के तहत, मतलब ऐसे तो मजाक कर रहा हूं मैं, लेकिन बहुत ही खराब सिनेरियो रहता है कभी कभी, छोटे छोटे बच्चे गैरेज में काम करते हैं, है ना। सो इवन इफ वी अप्लाई प्रेशर, हमको अगर ट्रक को भी मूव करना है यहां पे, तो यहां पे हमको ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर फोर्स मैग्निफाई हो जाएगा। कैसे? आप इस डायग्राम को बनाइए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर प्रेशर इज इक्वल इनसाइड द लिक्विड, मतलब जब प्रेशर इक्वली ट्रांसफर हो रहा है, यहां पे एरिया कम है यहां एरिया ज्यादा है, तो ये एक छोटा सा अगर यहां पर कोई छोटा सा अगर बच्चा भी अगर ट्रक को उठाना चाहे इसकी मदद से, तो यहां पर पास्कल का प्रिंसिपल, पास्कल का लॉ यूज करके वो कर सकता है, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक जैक को वो इस्तेमाल करेगा अगर, तो जितना प्रेशर वो यहां से हाथ से भी दबाएगा अगर उस मशीन को एक साइड से, दिस पिस्टन जहां पर प्रेशर वन लग रहा है उससे आप उसको लिफ्ट कर पाएंगे इजीली। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज व्हाट द पास्कल्स लॉ, पास्कल्स प्रिंसिपल इज, एप्लीकेशन ऑफ दिस इज हाइड्रोलिक जैक। तो क्या हम आगे बढ़े? ठीक है, सो अब देखते हैं, समझ में आया? तो इसको मूव करने के लिए इसको यहां पे कुछ ना कुछ फोर्स देना पड़ेगा। चलो मैं लिखता हूं, यहां पे मैंने फोर्स दिया, फोर्स F1, तो प्रेशर P1 कितना हो गया? F1 डिवाइडेड बाय A1, सही बात है। और प्रेशर P2 यहां इसने नीचे दबाया ना, यहां पे फोर्स मिलेगा F2, ऊपर जाएगा तो प्रेशर F2 P2 क्या होगा? F2 डिवाइडेड बाय A2, सही बात है। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, तो इस साइड में यहां पर ये प्रेशर, इस साइड में यहां ये प्रेशर, तो एज पर पास्कल्स लॉ प्रेशर P1 एंड P2 तो इक्वल है, सही बात है कि नहीं? तो अब अगर मैं इसको मिटा दूं, डायग्राम अपना बोर्ड छोटा है इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक। सो एज पर बाय पास्कल्स लॉ क्या होगा कि प्रेशर इज इक्वल, P1 इज इक्वल टू P2 बोला है हमको, तो क्या हो जाएगा? F1 by A1 इज इक्वल टू F2 by A2, सही बात है, ठीक है। सो अगर हमें फोर्स कितना मिल रहा है, हमको यहां पे कितना फोर्स मिलेगा ये अगर निकालना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? F2 इज इक्वल टू F1 A2, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, रीअरेंज कर रहा हूं बस, F1 into A2 डिवाइडेड बाय A1, ये इसको इधर भेजना है तो मुझे F2 की वैल्यू मिलेगी। तो इससे हम डिनोट कर सकते हैं, इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फोर्स जो हमको मिल रहा है वो F1 into A2 डिवाइडेड बाय A1 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इससे ये बता देंगे कि हमारा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2, मतलब जितना बड़ा आपका A2 पोर्शन होगा उतना ही ज्यादा आपको फोर्स मिलेगा। तो आपने इस साइड में जो छोटू इधर से जो पंप को प्रेस कर रहा था A1 साइड से, उसने बहुत कम फोर्स लगाया, लेकिन आपको फोर्स बहुत ज्यादा मिला, ठीक है। तो ये शो करता है कि हाइड्रोलिक जैक में, हाइड्रोलिक लिफ्ट में आपको हमेशा फोर्स मैग्निफाई करके मिलता है। तो इसको हम फोर्स मैग्निफायर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फोर्स मैग्निफायर, फोर्स बढ़ा दिया, मतलब इधर फोर्स कम अप्लाई किया, उधर हम ट्रक को, क्रेन को या फिर कार को, किसी को भी उठा सकते हैं जस्ट बाय अप्लाइंग दिस सिंपल प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ या पास्कल्स प्रिंसिपल इज हाइड्रोलिक जैक या हाइड्रोलिक लिफ्ट या ब्रेकिंग सिस्टम आपकी गाड़ियों का,
क्योंकि आप इतनी बड़ी गाड़ी चलाते हो और एक छोटे से ब्रेक से आप उस गाड़ी को रोक सकते हो, इतना हाई मोमेंटम होने के बावजूद भी। यही वो रीजन है कि हम पास्कल्स लॉ या पास्कल्स प्रिंसिपल को अच्छी तरह यूटिलाइज कर पाते हैं। समझ में आई बात? सो राइट दिस डाउन और हम लोग एक न्यूमेरिकल इसका एक प्रॉब्लम इसका सॉल्व करें, ठीक है? चलो चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स। इन अ हाइड्रोलिक जैक अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ पिस्टन ऑफ एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितना है 20 मीटर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है, एरिया देखो, एरिया दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, ठीक है? पहला वाला, व्हाट फोर्स इज ऑब्टेन ऑन इट्स पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 200 मीटर स्क्वायर। दूसरा एरिया दिया हुआ है A2, सिंपल है, मतलब ऐसा कुछ होगा हाइड्रोलिक जैक एक साइड और दूसरा साइड बड़ा होगा, ठीक है ना? सिंपल है, छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है इस पिस्टन का, वो कितना दिया हुआ है 20 मीटर स्क्वायर। तो A1 की वैल्यू होगी 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है? थोड़ा बड़ा लिखू, A1 की वैल्यू है 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है? और वहां पर फोर्स कितना अप्लाई किया गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स F1 इज नथिंग बट 10 न्यूटन। तो आपको बोला गया है यहां पर जो पिस्टन होगा, ये जो पिस्टन है इधर ऊपर चला जाएगा ना अगर वो नीचे दबाया है, तो एरिया इसका कितना दिया हुआ है A2, A2 इज गिवन एज 200 मीटर स्क्वायर। तो बोला गया है कि F2 की वैल्यू निकालो, तो ऑब्वियसली हम लिखेंगे, है ना, हाइड्रोलिक जैक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स, तो बाय पास्कल्स प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू P2, प्रेशर इज प्रेशर एट दिस पिस्टन इज इक्वल टू प्रेशर एज एट दिस पिस्टन। तो F2 निकालना है हमें, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा फॉर्मूला डालो, F1 बाय A1 इज इक्वल टू F2 बाय A2, और इसको क्रॉस करके आंसर निकाल लो। जैसे इसमें क्या होगा, F2 ये इधर भेजता हूं मैं, इसको यहां भेज देता हूं क्रॉस करके, तो कितना आ जाएगा F1 इंटू A2 डिवाइडेड बाय A1। F1 की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन दी गई है, A2 की वैल्यू कितनी है 200 मीटर स्क्वायर। अब कन्वर्जन का भी इशू नहीं है क्योंकि न्यूटन भी ऐसा यूनिट है, 20 मीटर स्क्वायर भी ऐसा यूनिट है एरिया, और ये 200 मीटर स्क्वायर भी ऐसा यूनिट है। सो दिस A1 इज नथिंग बट 20, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, 100 कैंसिल और यहां पर 20 भी कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर कम्स आउट टू बी 100 न्यूटन। तो कितना हो गया, फोर्स मैग्निफाई हो गया। देखो हमने कितना अप्लाई किया, 10 न्यूटन अप्लाई किया और कितना मिला हमको 100 न्यूटन मिला। मतलब एक साइड से अगर 10 न्यूटन आप अप्लाई करो तो दूसरे साइड में आपको कितना मिल रहा है, 100 न्यूटन मिल रहा है। तो यही होता है गैरेजेस में, हम जब हाइड्रोलिक जैक या हाइड्रोलिक पंप्स या फिर ऐसा कुछ इस्तेमाल करते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई करते हैं, तो फोर्स मैग्निफाई हो जाता है। मैग्निफाई मतलब बढ़ जाता है, यहां पे 10 न्यूटन है, यहां पे 100 न्यूटन है, इसका मतलब हमारा यहां पर जो फोर्स मिलेगा हमें वो 100 न्यूटन मिलेगा। तो ये क्या हो गया, आपने 10 न्यूटन अप्लाई किया यहां पर और आपको 10 गुना ज्यादा मिल गया, 100 न्यूटन मिला। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, पास्कल्स लॉ। समझ में आई बात आपको, प्लीज आप इसको स्टडी कीजिए, पढ़िए, तब आपको समझेगा अच्छे से, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं।